न्यूजीलैंड की पाकिस्तान को व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज की पेशकश। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक दोनों बोर्ड्स के दरमियान सीरीज के लिए मस्बत बातचीत जारी है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी बराह रास्त सीरीज के हवाले से मामलात पर न्यूजीलैंड क्रिकेट हुकाम से बात कर रहे हैं। ज़राए का मजीद कहना है कि व्हाइट बॉल सीरीज में 3 वनडे या 5 T20 मैचेस पर बातचीत जारी है। मुमकिन तौर पर T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले में T20 सीरीज खेली जा सकती है। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट के दावतनामे के बाद PCB स्टेक होल्डर से मुशावरत कर रहा है और अगले चंद रोज में सीरीज को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के इख्तिताम पर न्यूजीलैंड में सीरीज खेलने की पेशकश की है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी को सिडनी में खत्म होगा। जनवरी के दूसरे हफ्ते की विंडो में न्यूजीलैंड टीम व्हाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान की मेजबानी की ख्वाहिशमंद है। न्यूजीलैंड के पास जनूबी अफ्रीका की मेजबानी से कबल एक खाली विंडो मौजूद है, जहाँ वो पाकिस्तानी टीम के साथ वनडे या T20 मैचों की सीरीज खेलने की ख्वाहिश रखती है। इसी तरह अगर पाकिस्तानी टीम के शेड्यूल के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम ने सितंबर में एशिया कप खेलना है, जबकि सितंबर के बाद पाकिस्तानी टीम ने दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस की सीरीज के दौरे पर रवाना होगी और ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड के दौरे की पेशकश की गई है।